शानी, बेटा तो पता चला कोई बंदोबस्त हुआ पैसों का? मैंने जहां बात की थी वहां से तो इनकार हो गया, और मैंने एक दो जगह बात की भी है, फिर वहां से भी कुछ खास उम्मीद नहीं। हाँ वही जाहिर है, महंगाई का दौर है, कौन देगा उधार? लोगों का अपना ही गुजारा चल जाए यही बहुत गनीमत है। राशन भी खत्म होने को है, जैसे तैसे करके गुजारा करूं ये भी थोड़े दिनों की बात है। परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा मैं खाना लेके आती हूँ। बुरा वक्त तो जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। समझ नहीं आ रही कि चारों तरफ से परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, जीव से कुछ चल रहा है, पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया। एक बात कहना चाहती हूँ भैया, बुरा तो नहीं मान रहे? जिस दिन से रमशा इस घर से और आपकी जिंदगी से गई है, इस घर से खुशियां चली गई हैं। कभी कभी तो मुझे इस बात पर यकीन हो जाता है कि हमने रमशा का दिल बहुत दुखाया है। नहीं, तुम क्या कह रही? ऐसा ही है। हर्षा बहुत अच्छी लड़की थी, हालांकि रजा के लिए खुद को बदल लिया था उसने। आपसे मुखलिस हो गई, आपसे मोहब्बत करने लग गई। लेकिन आप तो उसकी कदर नहीं की। जितनी मुकफात है मने भाई, वक्त मिले तो सोचिएगा जरूर इस बारे में। रमशा बीबी, क्या हो गया है? पागल हो गई हो? डरा दिया है मुझे। वो रमशा बीबी, मुझे आपको कुछ बताना था। अगर तुम मुझसे बात करनी थी तो तरीके से कमरे में आती, नहीं खुफिया तरीके से आने की क्या जरूरत थी? बोलो क्या हुआ है? वो दरअसल तबसम, तबस तुम्हें बेगम साहिबा बुला रही हैं। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर बेगम साहिबा ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। नहीं, बेगम साहिबा ने कहा कि मेरे साथ चलो, तुम आओ।
बीबी जी आपने मुझे बुलाया? तबसुम, तुम छुट्टी का कह रही थी ना, मैंने सोचा है कि तुम्हें लंबी छुट्टी पर भेज दूं। मैं समझी नहीं। इस घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं और वैसे भी भाईजान के जाने के बाद इतना कोई खास काम नहीं है। बेहतर यह है कि तुम अपने लिए कोई और नौकरी देखो। ये क्या कह रही है बेगम साहिबा? मैंने एक अरसा आपके यहाँ काम किया है, उससे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दें। ये तुम्हारी सैलरी है, अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 10 दिन रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पूरे पैसे दे रही हूँ। फिर बेगम साहब इतनी जल्दी मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? ये मेरा मसला नहीं है, मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है तुम्हारा कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करती फिर। अब जाओ यहाँ से। और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम यहाँ पे कितना काम करती हो। ये क्या कह रही हैं बेगम साहब? मेरी इजाजत के बगैर तुमने जितनी चीजें इधर उधर की हैं ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं। लेकिन मैं सब जानती हूँ। अरे ये तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें आज तक कुछ कहा नहीं। बेगम साहब ये सब झूठ है, मैंने बड़ी ईमानदारी से यहाँ काम किया। और आपकी इजाजत के बगैर कभी भी मैं कुछ लेकर नहीं गई हूँ। मुझसे बहस मत करो, अगर अब तुम मुझे इस घर के करीब भी नजर आई तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। अभी जाओ यहां से। और मामा आपने कितने अच्छे से ये सिचुएशन हैंडल कर ली, मैं बहुत परेशान थी। अब ये रमशा तो क्या इस घर के करीब भी नहीं भटकेगी।